सुन रहे थे बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर को, जिन्होंने बताया इंटर रिजल्ट में देखिए जो टॉपर के नाम आ रहे आए हमारे पास, आर्ट्स में तुषार कुमार टॉपर रहे हैं, तो वहीं कॉमर्स में प्रिया कुमारी टॉपर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेखपुरा की रहने वाली है प्रिया, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है। तो इंटर में आपको बता दें कि 88.84% छात्राएं पास हुई हैं और ये पहले के मुकाबले बढ़ा है। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बता रहा है साइंस स्ट्रीम में सिवान के मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया है और तो वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में तुषार कुमार टॉपर रहे हैं और इस बार अच्छा प्रदर्शन रहा है छात्रों का भी। कॉमर्स में प्रिया कुमारी ने टॉप किया है जो कि शेखपुरा की रहने वाली है। कॉमर्स स्ट्रीम में प्रिया कुमारी ने टॉप किया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटर में 88.84% छात्राएं पास हुई हैं, यानी कि आपको बता दें कि पहले 5 सालों के मुकाबले इस बार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। साइंस स्ट्रीम में सिवान के मृत्युंजय कुमार ने टॉप किया है, आर्ट्स स्ट्रीम में तुषार कुमार टॉपर बने हैं, तो वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में प्रिया कुमारी टॉपर रही हैं और इस बार भी छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रजनीश हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रजनीश, जो हम लोग बता रहे थे कि इस बार भी छात्राएं अच्छा प्रदर्शन करने वाली हैं, पूरी जानकारी दीजिए। रिजल्ट जारी कर दिया गया है इंटर का। बिल्कुल, सबसे पहले हम टॉपर्स का नाम बता देते हैं, क्योंकि टॉपर्स का नाम सुनने के लिए सभी बेताब रहते हैं। मृत्युंजय कुमार हैं, ये साइंस के टॉपर बने हैं जो बरहरिया सिवान के हैं। उसके साथ साथ साइंस के सेकंड टॉपर हैं सिमरन गुप्ता, ये आपको इंटर कॉलेज दरियापुर सारण के हैं। उसी प्रकार से हम कॉमर्स के भी टॉपर का नाम बता देते हैं, प्रिया कुमारी है, ये आपको उच्च विद्यालय बौरबीघा शेखपुरा के हैं, ये कॉमर्स की है। ये प्रिया कुमारी कॉमर्स की सेकेंड टॉपर है। सौरभ कुमार है, ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के हैं। कुल मिलाकर ये कहे कि आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स इनका जो है टॉपर लिस्ट, उसके मुताबिक हम दिखा पा रहे हैं टॉप 5 में कौन कौन है। आर्ट्स में तुषार कुमार है, ये आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना के हैं। निशीष सिन्हा है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स साइंस पटना के। कुल मिलाकर टॉप 5 की सूची में पटना का जलवा बरकरार रहा और जो पासिंग परसेंटेज है इस बार भी पिछले साल की तुलना में, न्यूज 18 ने पहले ही कहा था कि रिजल्ट बेहतर होगा और निश्चित रूप से तीनों संकाय में अगर बात करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में अगर बात करेंगे 87.7% रिजल्ट रहा है, जबकि इस बार 87.21 जो प्रतिशत है वो रिजल्ट रहा है। यानी हम 2019 से अगर कहेंगे 79.76 रहा, 2019 में 2020 में 80.59, 2021 में 78.04% रहा और 2022 में 8.15, जबकि 2024 में 87.21% रिजल्ट रहा है, यानी बेहतर रिजल्ट रहा है। और छठा वर्ष है जब इंटरमीडिएट का परिणाम जो है ये लगातार मार्च महीने में जारी हुआ है। कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार बोर्ड ने फिर से एक बार नया रिकॉर्ड बनाया है और जो छात्राएं हैं वो छात्र के मुकाबले जो है बेहतर स्थान प्राप्त किए हैं। बता दें आपको कि जिस प्रकार से छात्र की मुकाबले में छात्राओं का जो पासिंग प्रतिशत है वो आपको हम बता दें कि 88.84% जो छात्राएं हैं वो उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि जो छात्र हैं वो बिल्कुल रजनीश, तो जो एवरेज परसेंटेज है और पासिंग परसेंटेज है वो आपको रोकना चाहूंगी रजनीश इस वक्त, और एक बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है थर्ड टॉपर के नाम को लेकर के, प्रिंस कुमार जो है वो थर्ड टॉपर बताए जा रहे हैं। तो साइंस के ये थर्ड टॉपर हैं प्रिंस कुमार, जिनका नाम हमारे सामने आ रहा है और न्यूज 18 आपको बता रहा है साइंस के थर्ड टॉपर जो रहे हैं उनका नाम है प्रिंस कुमार। ठीक है, प्रिंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थर्ड टॉपर हैं साइंस के। प्रिंस, कैसा लग रहा है टॉप करके, टॉप लिस्ट में आपका नाम आया है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, आपको न्यूज 18 ढेरों बधाइयां देता है, आपको टॉप करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है आपने। थैंक यू मैम। तो प्रिंस, आपने किस तरीके से मेहनत की है, आपने क्या क्या पढ़ाई के लिए स्ट्रेटजीज बनाई है आप बताएं। प्रिंस, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हमारे पास। मैम अभी घर पे नहीं हूँ मैम, तो मार्केट आया हूँ। ठीक है, ठीक है प्रिंस,
बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो ये थे वो नाम टॉपर लिस्ट में जिनका हमारे पास अभी डिटेल्स आया, और आप भी सुन रहे थे बीएसईबी अध्यक्ष को जिन्होंने रिजल्ट जारी होते ही अनाउंसमेंट कर दी है कौन कौन टॉप किया है। तो टॉप करने वाले को बधाई देता है न्यूज़ 18।